हेलो नमस्ते। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद के दूसरे हफ्ते में यानी कि उसके डायटरी एडवाइस के फेज टू के दौरान अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो आप कौन कौन से ऑप्शंस को चुन सकते हैं। तो इधर फेज टू के दौरान हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं जैसे कि सॉल्टेड लस्सी है या फिर ड्राई फ्रूट लस्सी है। इसके अलावा हम ले सकते हैं हमारी जो रेगुलर छाछ होती है बटर मिल्क होता है वो ले सकते हैं या फिर प्लेन कर्ड ले सकते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल शुगर कंटेंट वाले फ्रूट्स होते हैं उससे बनाए हुए शेक्स और स्मूदीज ले सकते हैं। पर जब आप शेक्स और स्मूदीज कंज्यूम करते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि इन शेक्स और स्मूदीज के अंदर ऊपर से डाली हुई चीनी ना हो। इसके अलावा जो नेचुरल फ्लेवर वाले लो फैट मिल्क होते हैं जैसे कि इलायची का दूध है या फिर केसर का दूध है, ऐसे मिल्क लो फैट मिल्क भी ले सकते हैं। इसके अलावा इधर हम सॉल्टेड लाइम जूस भी ले सकते हैं। फेज टू के दौरान हम वेज और नॉन वेज सूप भी ले सकते हैं, पर पहले हफ्ते के बदले अभी दूसरे हफ्ते के दौरान हम थोड़े गाढ़े से सूप भी ले सकते हैं। पर जब आप सूप लेते हैं तब आपको एक बात का मेक श्योर करना है कि इन सूप के अंदर वेजिटेबल्स या नॉन वेज के कोई भी पीसेस अंदर ना हो। इसके अलावा हम पोरेज ले सकते हैं, पोरेज जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी का पोरेज या फिर ओट्स का पोरेज भी हम ले सकते हैं। इस फेज में इसके अलावा हमारे बॉडी के प्रोटीन कंटेंट को ध्यान में रखते हुए हम ब्लेंड की हुई दाल या सांभर भी ले सकते हैं। पर अगेन इधर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सांभर ले रहे हैं तो उसके अंदर वेजिटेबल्स के टुकड़े ना हो। इसके अलावा जो हम फेज वन के दौरान जो लिक्विड ऑप्शंस ले रहे थे वो ऑप्शंस भी आप ले सकते हैं। तो फेज टू के दौरान यानी कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद के दूसरे हफ्ते में आप एक साथ 2 से 3 घूंट लिक्विड ले सकते हैं। पर जब भी आप लिक्विड ले रहे हैं तब आप हमेशा ध्यान रखें कि आप इन लिक्विड को आराम से लें, धीरे धीरे लें और हमेशा मेक श्योर करें कि जब भी आप ये लिक्विड ऑप्शन ले रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी खाने के टुकड़े ना हो। बेरियाट्रिक सर्जरी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी के लिए आप नीचे दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल से हमें संपर्क करें।